हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आज आपको घुमाने वाली हूँ दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर और ग्रीस की सबसे पुरानी हिस्टोरिकल सिटी एथेंस। तो ये मेरे ग्रीस के व्लॉग का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने घुमाया है सेंटोरिनी और ये भी बताया है कि यहाँ आप कब कैसे आ सकते हैं, और सेकेंड पार्ट में मैंने बताया है बहुत ही ब्यूटीफुल आईलैंड मिकोनस। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि एथेंस एयरपोर्ट से आप एथेंस मेन सिटी बाय ट्रेन कितने में और कैसे जा सकते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे ग्रीस की हिस्ट्री, जिसमें आप जानेंगे कि 4000 ईयर्स बीसी में भी लोग यहां रहते थे, जो कि दुनिया की सबसे पहले की पॉपुलेशन हुआ करती थी। इस वीडियो में आगे हम ये भी देखेंगे कि एथेंस सिटी आप बस से कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इतनी खूबसूरत सी जो सिटी है इसमें देखने के लिए क्या क्या है। तो ग्रीस की इतनी खूबसूरत सी सिटी एथेंस में आपके टूर में कुछ देखने से नाम मिस हो जाए, उसके लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। एथेंस हम पहुंच चुके हैं अर्ली आफ्टरनून में, तो हमारे पास हाफ डे है क्योंकि रात को हमारी फ्लाइट है लंदन के लिए, तो एथेंस हमें आज दिन में ही घूमना है। तो बैगेज कलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के बोर्ड दिखेंगे टैक्सी और स्टेशन के लिए, तो हम जा रहे हैं डायरेक्ट ट्रेन स्टेशन। तो मेरे आने वाले इंडियन ऑथेंटिक रेसिपी के साथ यूके एंड यूरोप का व्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टेशन जाने के लिए हमको एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर में भी एयरपोर्ट के गेट्स हैं, डिपेंड है कि आपकी फ्लाइट कौन से गेट में आती है। तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये है टिकट काउंटर ट्रेन स्टेशन का। यहाँ काफी मशीन्स भी है जिससे आप टिकट्स ले सकते हैं। ये थोड़ा हमारे लिए कंफ्यूजिंग था, इसीलिए हमने काउंटर से टिकट ली। और हम सबसे पहले जा रहे हैं एक्रोपोलिस, तो जिसकी रिटर्न की टिकट के साथ उसका रेट कुछ इस तरीके से है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म में ट्रेन आ रही है, और आप गूगल कर सकते हैं या फिर काउंटर में जो लेडी है उससे भी पूछ सकते हैं कि एक्रोपोलिस की रूट कौन सी है। तो हमारी जो ट्रेन थी वो थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो गूगल में हम जो ट्रेन की टाइमिंग देख रहे थे, ट्रेन उससे लेट आई। तो एथेंस में हमने ये बात नोटिस की कि ट्रेन टाइम पे कभी नहीं होती। आप गूगल में जो टाइम देखेंगे ज़रूरी नहीं है ट्रेन उसी टाइम पे आए। तो जो ट्रेन है वो एयरपोर्ट से ही स्टार्ट होती है, इसके लिए आपको आसानी से यहाँ सीट मिल जाएगी। और इसे एक्रोपोलिस स्टेशन पहुँचने में अप्रोक्सीमेटली 1 आवर लगता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं एक्रोपोलिस स्टेशन। तो हम यहां जून के फर्स्ट वीक में गए थे और बहुत ही टेम्परेचर हाई था, अप्रॉक्सिमेटली 30 to 31 degrees। तो अगर आप ग्रीस मई मिड से लेकर सितंबर तक जा रहे हैं तो अपने साथ समर क्लोथ्स रखिएगा, हैट और सनग्लासेस भी आप रखिएगा, यहां धूप काफ़ी तेज होती है। और स्टेशन के साइड में ही एक्रोपोलिस म्यूजियम था, तो दिन में हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हम म्यूजियम नहीं जा रहे हैं। तो लगेज स्टोरेज ऐप के थ्रू हमने पहले अपना सूटकेस रख लिया है और उसके बाद हम चल पड़े हैं। तो हमने टिकट जो है एडवांस में ही खरीद ली थी, और उसके साउथ गेट से हमारे एक्रोपोलिस की एंट्री थी। तो हम वीकडेज में गए थे, इस वजह से यहाँ पर लॉन्ग क्यू नहीं था। तो आप टिकट एडवांस में ही खरीद लें। अगर आपको म्यूजियम भी जाना है तो आप कंबाइंड टिकट भी ले सकते हैं, जो आपको थोड़ा चीप पड़ेगा। तो अगर आप ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन से गेट से एंट्री है। तो जब भी आप एक्रोपोलिस आए आप अपने साथ हेवी सामान मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको काफी ऊपर चढ़ना पड़ता है। अपने साथ आप वाटर बॉटल और अम्ब्रेला या फिर समर हैट जरूर रखिएगा। और ये है ग्रीस का सबसे पुराना थिएटर, जो है 534 बीसी का। इसकी कैपेसिटी थी 17,000 से 19,000 पीपल की, बट ये बहुत ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो उस वक्त ग्रीस में जितने भी थिएटर होते थे वो बिना रूफ के होते थे। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी छत नहीं है। और इसके बाद भी यहाँ पर जो प्ले होते थे उसका साउंड बहुत ही अच्छा होता था, जो कि उस टाइम के मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री को बताती है। याद रखिएगा मैं बात कर रही हूँ 300 BC की। तो हम धीरे धीरे और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, गर्मी बहुत थी। तो आप यहाँ अच्छे फुटवेयर भी ज़रूर रखिएगा। और उसके बाद बारी आती है एक और थिएटर की, जो कि फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी में बनाया गया है।
तो इस थिएटर की सिटिंग कैपेसिटी है 5 to 6,000 पीपल की। आप देखेंगे ये जो वॉल है ये पहले 3 फ्लोर की थी, तो ओरिजिनली यहाँ पर छत हुआ करती थी इस थिएटर पर काफी बॉम्ब ब्लास्ट और अटैक के कारण ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो यहाँ एथेंस का समर फेस्टिवल भी होता है, अगर आप लकी रहे तो आपको कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और इसके बाद आपको और भी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ये जो एक्रोपोलिस है ये सिटी की सबसे टॉप प्लेस पर है, मतलब सबसे ऊपर ऊंचाई पर है। तो एक्रोपोलिस के वेस्ट गेट की एंट्री यहाँ से है, तो अगर आपको यहाँ से एंट्रेंस मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है, आपको थोड़ा सा कम चलना पड़ेगा और आप फिर साउथ गेट से एग्जिट कर सकते हैं जहाँ से हम आए थे। सो 4000 ईयर्स BC में लोग यहाँ क्यों आए? एथेंस में 7 हिल्स हैं, बट उन्होंने यहाँ आना प्रेफर क्यों किया? क्योंकि यहाँ था स्प्रिंकल वाटर, और बिना पानी के आप लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उस वक्त यहाँ से सारे सिटी में नीचे पानी जाया करता था, इसीलिए लोग इस हिल पर आना प्रेफर करते थे। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको पूरी एथेंस सिटी देखने को मिलेगी। और फाइनली हम पहुंच गए हैं टॉप पर, और यहाँ का जो शो स्टॉपर है वो है ये टेंपल, और जिसको बनाने में उस समय लगा था 10 ईयर्स। तो ये बना था 437 BC से 447 BC तक। तो यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं इसके सामने फोटो खिंचाना बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं। यहाँ काफी बम ब्लास्ट और अटैक होने के कारण ये थोड़े से डैमेज हो गए हैं, और जिसकी वजह से इसका मेंटेनेंस चल रहा है इस वक्त। तो हमने ये डिसाइड किया कि पूरा इस प्लेस का एक राउंड लेते हैं। तो यहाँ वॉल पे इसके बहुत सारे डिटेल्स लिखे गए हैं, जिससे आप और भी अच्छे तरीके से ग्रीस की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो ये जो है पार्थेनॉन टेम्पल का बैक साइड है। तो ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है यहाँ की गॉडेस एथेना के लिए। एंड पैथेनॉस का मीनिंग होता है ग्रीक में वर्जिन, मतलब ये जो एथेना गॉडेस थी ये वर्जिन लेडी थी, इन्होंने कभी शादी नहीं की और इन्हें कोई टच नहीं किया। तो इन्हें सिटी ऑफ सिंबल भी कहा जाता था, और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि इन्होंने अपने विंग्स में पूरी सिटी को प्रोटेक्ट किया हुआ था। है ना इसकी कितनी अमेजिंग हिस्ट्री। और उस समय के आर्किटेक्चर का एक ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, इसकी फ्लोरिंग, इसका कॉलम, सब चीज अमेजिंग है। तो फिर यहां से हम चले थे इसके और एक कॉर्नर पे। देखिए किसी ने अम्ब्रेला भी लाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो इस पॉइंट से आपको एथेंस सिटी देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स आप पूरी सिटी नहीं देख पाएंगे क्योंकि एथेंस बहुत ही बड़ा है, आप उसका एक पोर्शन देख सकते हैं यहाँ से। तो हमने इसका एक पूरा राउंड ले लिया है। यहाँ और भी बहुत सारे टेंपल्स हैं, ऑफकोर्स ये सारे टेम्पल्स एक टाइम पे नहीं बने, यहाँ एक टेम्पल बनने के बाद दूसरा टेम्पल बनाया जाता था। तो यहाँ की अमेजिंग हिस्ट्री और टेम्पल देखने के बाद हम चल पड़े हैं फिर से वापस नीचे। तो पूरा एक्रोपोलिस घूमने में हमको लगा 1.5 से 2 घंटा, डिपेंड करता है आप यहाँ कितना देर रुकना और चाहते हैं। हमारे पास क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था और हमें और भी एथेंस सिटी घूमनी थी, तो हमने सोचा हॉप एंड हॉफ बस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये एक्रोपोलिस से बहुत पास था, ये जो म्यूजियम है बस उसके पास ही इसका स्टॉप है। तो हम अपने बस का वेट कर रहे थे ताकि हम उसमें बोर्ड करें और फिर पूरी एथेंस सिटी घूमें। और आ गई हॉप एंड हॉफ बस, और आ गए हम बस में ऊपर। ये क्योंकि आखिरी बस है, इसमें रश नहीं है, और हमको जो टिकट है ये भी डिस्काउंट में मिली है, तो इसे बोलते हैं सोने पे सुहागा। वाह, अभी कैसा लग रहा है? गुड। और यहाँ से एक्रोपोलिस पूरा दिख रहा है, इसका व्यू पूरा दिख रहा है यहाँ से। ये
तो हॉफेनहॉफ बस की ये लास्ट बस थी, तो उन्होंने हमें चार्ज किया 10 यूरोस पर पर्सन, और आदि के लिए उन्होंने चार्ज नहीं किया। तो अगर आप हमारे जैसे लास्ट बस बोर्ड कर रहे हैं तो आप ड्राइवर से ये डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये एथेंस की पब्लिक बस है, हमारे पास समय नहीं था इस वजह से हम एथेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस में नहीं घूम पाए। और चलते चलते हमें और भी यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को मिला, और यहाँ आपको ट्रैम भी देखने को मिलेगी। तो कहते हैं कि जो ग्रीस है ये दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया सोशल लाइफ से, तो पहले ऐसे गैदरिंग या फिर प्ले वगैरह नहीं हुआ करते थे। और ये है यहाँ का पार्लियामेंट, और आप जब इनके गार्ड को देखेंगे वो इतने गर्मी में भी अपने ड्यूटी से एक इंच भी नहीं हिल रहे थे। तो हमारी हॉफेनहॉफ बस तो लास्ट थी तो हम उतर के नहीं देख सकते थे, बट जब हम पैदल वापस जा रहे थे तब हमें ये गार्ड चेंजिंग देखने को मिला। घूमते हमें बहुत सारी क्रिएटिविटी देखने को मिली, जैसे कि आप यहाँ पर एक आदमी का स्टेच्यू देख रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये ग्लास के पतले पतले प्लेट से इसका स्टेच्यू ऐसा बनाया गया है। इसके जस्ट ऑपोजिट में आपको नेशनल म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। और अब बारी आती है एथेंस की मोस्ट पॉपुलर प्लेस की, और वो है यहाँ का सबसे पुराना ओलंपिक स्टेडियम। ये वर्ल्ड का सिर्फ एक ऐसा स्टेडियम है जो पूरा मार्बल से बना हुआ है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 50,000 पीपल की, और फर्स्ट ओलंपिक गेम यहाँ हुआ था 1896 में। और ये है ग्रीस का टेनिस क्लब। आगे चलने पर हमें देखने को मिला एथेंस का यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी काफी पुरानी तो है ही, बट इसका लुक देखिए कितनी सुंदर है ये यूनिवर्सिटी। और ये है यहाँ का फेमस मार्केट, तो आपको अगर स्ट्रीट शॉपिंग करनी है, स्ट्रीट फूड खाने हैं, तो इससे बेहतर आपको एथेंस में और कोई जगह नहीं मिलेगी। और इतने सुंदर हिस्टोरिकल प्लेस एथेंस के साथ ही हमारा ग्रीस का सफर खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ग्रीस से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके सवालों का जवाब देना बहुत ही अच्छा लगता है। तो जल्दी ही मिलते हैं मेरे एक और नए वीडियो में।